हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और अभी हो रही है मॉर्निंग और हम जा रहे खाना की तैयारी करने। देख सकते तो हम लगा रहे मिट्टी का लेवा। तो दोस्तों अभी हम मॉर्निंग में क्या क्या करेंगे तो आप सबको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप सब वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी खुशी दोस्त अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमसे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। और दोस्तों जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे सभी दोस्तों को हमारे चैनल मिस्टर बिट्टू डॉट खुशी फैन में आप सभी दोस्तों को वेलकम स्वागत है दोस्तों। और अभी हम मॉर्निंग का खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देख सकते दोस्तों मेरे हाथ में लगी है मिट्टी और हम इनमें लगाएंगे मिट्टी का लेवा। देख सकते दोस्तों चूल पर बनेगा ना, तो इससे पहले हम इसको इसमें लगाते हैं ना, तो ये मतलब ये बर्तन मतलब काला नहीं होता है, साफ करने के बाद ना ये छूट जाता है अच्छे से, इसके लिए हम लोग यही लगाते हैं। जैसे बनता है तो ये सब नहीं करना पड़ता, लेकिन ज़्यादा खाना बनता है ना तो दोस्तों गैस पर मतलब उतना वो हो जाता है। इसके लिए इसी में चावल रखेंगे बनने के लिए। इसमें और इसमें बनेगा दाल, देख सकते हैं। और उसमें बनेगी सब्जी कढ़ाई में। और इसमें सब्जी, इसमें बनेगी दोस्तों सब्जी। देख सकते हैं इसमें लगा रहे इसमें, अभी दोनों में लगा चुके हैं चावल दाल और सब्जी। अभी सब्जी क्या बनेगा वो भी दिखाएंगे, सब्जी में आज कौन चीज़ का सब्जी बनेगा। और वैसे दोस्तों बारिश बहुत काफ़ी हो रही थी, यहाँ पर इतना पानी लग गया था। अभी सब चूल्हे लिपे ना तो सबको साफ किए, तो अभी नहीं, अभी एक दो बरस रही बस। और अभी बारिश का मौसम आ गया है, सावन में तो आता ही है। और उसके बाद भादो में तो और भी ज़्यादा, सावन भादो ऐसा क्या बोलते गांव में, ऐसे ही बोलते हैं इधर पे। तो वही अभी सावन का महीना है, अब सावन का महीने चले जाएंगे, उसके बाद तो भाई बहन का मौसम आएगा, उसमें तो और भी ज़्यादा भाई बहन में कहते हैं झगड़े लड़ाई होते हैं, उसी तरह से बस कभी ख़त्म बारिश, कभी आ गया कभी ख़त्म, ऐसे ही होता रहता है। तो देख रहे हैं हम लगा चुके हैं, अभी जा रहे हाथ धुल के आते हैं, तो तब तक के लिए सुन रहे हैं। दोस्तों हम हाथ धुल के आ गए और जब पानी लेके आए हैं, ये देखिएगा उसके बाद चावल मिलाएंगे। तो पहले हम हाथ धुला रहे दोस्तों, हमको ये ना बहुत टाइम में धरता है, लेकिन अभी देख रहे अगर धरेगा तो धरेगा, ना तो एक भी पता ही नहीं, बस लग रही है। और उधर पर देखे हुआ है मम्मी मेरे सास में आएंगे मम्मी जी, तो फिर बोलेंगे और लोना ले आने के लिए। देख हमको ना दोस्तों बस यही इसको जलाने में ना थोड़ी बहुत टाइम लगता है, ये नहीं धरता रहता हमसे जल्दी। पता ही जो था वो तो जल गया, अभी लकड़ी में रखा भी नहीं, पकड़ा भी नहीं जब तक पता ही खत्म। दोस्तों मेरे हाथ रख धर लिया, देख सकते हैं अच्छे से पकड़ लिया, नहीं तो नहीं, कभी कभी ना बहुत टाइम लगता है आज ये लगाने में, मेरे को अच्छे से नहीं होता रहता। अब जा रहे दोस्तों चावल धुलने के लिए, देख सकते हैं फटक कर लिया है। और बारिश दोस्तों फिर से होने लगी है, देख सकते हैं बारिश हो रही है यहाँ तक। अभी दोस्तों हमें हम बनाएंगे बोले परवल का भरवा, जो मतलब इसमें मसाले भर के नहीं बनता है वो, तो वही बनाएंगे चावल दाल और मसाला भर के। तो सोच रहे अभी चावल वही पहले चावल धुल के ले आते बनाएंगे, उसके बाद इसको कट उट करेंगे तो आप सबको दिखाएंगे, तो फिर तब तक के लिए आप सब बने रहिए। तो अभी हम चावल मिला दिए, चावल मिला कर चला दिए, देख सकते हैं इसमें। और दोस्तों अभी हम कट करेंगे परवल, तो आप सबको दिखाएंगे, तो आप सब वीडियो में बने रहिए। देखिए हम किस तरह करके कट करेंगे दोस्तों, बारिश बहुत ज़्यादा हुई, चावल धोते हुए ना ये पूरे पानी से पीछे भीग गया है। और देखो दोस्तों हमने इसे कट करेंगे, दोनों साइड से ये कट कर देंगे, और इनके बाद इसको चम्मच के इससे ना इसको हम निकालेंगे,
इससे पहले हम सबको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हम कट कर लेंगे, देख सकते हैं। तो इसी तरह हम सब कट करके रख लेना है, पहले हम सब कट करके रखते हैं। इसमें तेल डाले हैं, अभी डालेंगे जीरा मिर्चा। इसमें डालने के बाद अभी प्याज इसमें डाल करेंगे। दोस्तों हमारा थोड़ा ज़्यादा है तो हमने पाँच प्याज काटे, तो आपका थोड़ा होगा तो कम ही काटिएगा, है ना। और दोस्तों इसमें से जो भी इसका होता है ना वो हम निकल के और उसके बाद में हम इसमें डाल करेंगे। और दोस्तों ये जो इसमें के निकला है ना ये वाले, अभी डालना इसको निकाल देते हैं, ये भी इसमें डाल करेंगे। प्याज के साथ में भूजेंगे। दोस्तों हमसे इतना जल्दी नहीं निकल, अभी निकलता नहीं, अभी दादी ने इतना निकाल दिया, देख सकते इसका भी यह जो होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके साथ में भूजेंगे प्याज और इसका जो परवल का जो भी इसका होता है ना वो। इतना निकल गया, बस अभी थोड़ा सा बचा है, हम इसको भूजेंगे अच्छे से। इतना अच्छा से उसमें से निकल जाता है, ये चम्मच का जो वो पकड़ने वाला होता है ना उसके से, देखिए इधर पे दादी मैं निकाल रही। अब इतना ज़्यादा निकल चुकी है तो मतलब ये भुजा जाएगा ना दोस्तों, उसके बाद ये निकाल दिया जाएगा मसाला भूज के, फिर इसको फ्राई करके उसके बाद ये सारे मसाला थोड़ा थोड़ा करके इसमें भरा जाएगा। देखिए वो चम्मच से कैसे निकलता है, ऐसे करके उसमें से देखिए निकल जाएगा, सभी निकल जाएगा उसमें के। देखिए निकल गया, इसी तरह इसको निकाल के और इस तरह रख देना, उसका जितना होता है ना ये सब भूज देना। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी मसाला भुजा चुका है, अब इसमें मसाला डालेंगे थोड़ा सा मिर्चा। तो दादी मैं हमको ये निकाल दिए क्योंकि आज खाली हो गया था, तो इसके वजह से तभी इसमें हम मिर्चा पाउडर डालेंगे। दोस्तों देख सकते हैं मिर्चा पाउडर डाल चुके, अब डालेंगे धनिया पाउडर। तो हमने इसमें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर ऐड किए हैं, जिसमें से हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डाल देंगे और हम इसमें डाल करेंगे इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, तीनों पाउडर हम इसमें डाल करके भूजेंगे। इसमें प्याज में देख सकते हैं, इसमें धनिया मिर्चा हल्दी सब पाउडर डाल के भूजेंगे और इसमें हम डाल करेंगे लहसुन को कूच कर इसमें डाल करेंगे और गरम मसाला को भी कूच के इसमें डालेंगे। तो आप सब तब तक के लिए बने रहिए, आप अपने मतलब जितना है आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए, हमारा थोड़ा ज़्यादा है तो हम ज़्यादा नमक ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये मसाला जो अच्छे से पक जाए इसमें, और जब तक हम देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल करेंगे दो खारा लहसुन, दो गोरी खारा लहसुन, देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम इसको धुल लेते और गर्म मसाला अभी बारिश हो रही दोस्तों, हमको वो झांस लग रही है, देखते उधर बारिश हो रही, पर उधर ही हमें इसको धुल के और गर्म मसाला ले आते हैं, उसको दोनों को कूचना है फिर इसमें डालना है। तो तब तक के लिए आपसे बने रहिए। लहसुन भी कुछ के डाल दिया गया है और ये देख सकते हैं ये भुजा गया कुछ इस तरह का, और उसके बाद में ना अभी परवल को फ्राई किया जाएगा, उसके बाद उसमें भर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का पानी सोख गया है, भुजा गया, अभी इसको निकाल के और इसमें खाली करके रख लेंगे।
तेल डाल दिए, अभी हम परवल डाल देंगे इसमें फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा तेल डाल के इसको पहले फ्राई कर लेंगे और उसके बाद ये मसाला इसमें भूजा जाएगा। तो थोड़ा सा तेल डाल के इसको देख रहे, इसको अच्छे से भूजा जाएगा ना, भूजा जाएगा उसके बाद फिर इसको भरा जाएगा उसमें मसाले को। तब तक अभी तेल में देख रहे, थोड़ा सा तेल डाल के इसको पहले फ्राई कर लेते हैं, तब तक के लिए सब बने रही। दोस्तों अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है भुजाने के बाद। उसके बाद अभी हो गया समझिए, थोड़ा सा अभी और होगा बस, अब इसको निकाल के और मसाला भरा जाएगा। देख सकते हो गया है, अब इसको निकाल के और इसको भरा जाएगा। ये मतलब पक गया ना, तो इस मसाला भर के उसके बाद थोड़ा सा उसमें डाल के और थोड़ा सा उबलेगा बस, फिर हो जाएगा। क्योंकि ये तो ये भी भुजाया, मसाला भी भुजाया, तो अब समझिए बन गया। अब इसको बनने में अब टाइम नहीं है, तो भर भर के और इसमें डालेंगे दोस्तों। इस तरह करके इसमें भरेंगे, अभी तो दिखा हुआ है, तो इसमें भर भर के पहले हम डालेंगे। भरा चुका है तो हम लोग जल्दी जल्दी में, गर्म था ना तो जल्दी जल्दी भरे ना, तो इसलिए हम वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि हाथ में लगा था, तो ना तो भर रहे थे क्योंकि आज खाली हो गया था। तो इसके लिए हम बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं, तो बन गया सब। तो सब भर के उसमें डाले हैं और जो ये मसाला उभरा है ना, ये भी उसी में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मसाला का थोड़ा पानी हम लोग मतलब तक्कर वाले बनाएंगे। आप चाहे तो सूखा भी चावल दाल पर रख खा सकते हो, लेकिन हम लोग दाल नहीं बनाई क्योंकि देख रहे बरसा का मौसम है और सोचे बहुत ज़्यादा यहाँ पानी भी आ रहे थे, तो इसके लिए ना हम लोग मतलब सिर्फ सोचे कि टक्कर वाला ही बना लेते हैं। तो आप टक्कर वाला ही बना सकते हैं, जैसे दाल नहीं बनाएंगे तो देखिए इसका। देख सकते हैं दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा मतलब मेरे बड़े बाबर हो रहे थे। तो दोस्तों अभी इसको हम धुल के, जो मसाला है ना इसके लिए इसको धुल के थोड़ा डाल दे रहे। दोस्तों मसाला डाल के पानी डाल के ढक दिए थे, अभी देखो कुछ इस तरह का। सब्जी हो चुकी है, हम लोग दाल नहीं बनाए थे इसलिए तक्कर वाली ही रहेगा, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह। और हम अब इसको उतार देंगे। दोस्तों बरसात में सोचे क्या दाल बनाए, दादी माँ बोलिए छोड़ दो रहने, तो देख सकते हैं इधर चावल दादी माँ को दी थी खाने के लिए, मसाला था इसमें तो थोड़ा सा ले लिए इसमें से, और इसमें से दो पीस लिया। और देख सकते हैं इधर पर कितना ज़्यादा हो रहा है, अभी सबको साफ करेंगे अच्छे से, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए फ्रेंड्स खुशी बनाई है, अब मेरे को खाना दे रही है। क्या खाना बनाई है खुशी? क्या बनाए परवल की दुर्गा, दोस्तों दिखाए ना दोस्तों वीडियो में पूरे कैसे कैसे बनाए हैं। और दोस्तों अभी हम दादी माँ को खाना दिए और इनको दे रहे। तो दोस्तों अभी हम अपने मतलब दादी माँ को पहले दे चुके हैं, और मतलब मेरे ससुर जी और सासू माँ खेत में गए हैं, तो पहले दादी माँ को दिए खाने के लिए, वो अपने हस्बैंड को दे रहे इसमें चावल। और इसके बाद में दोस्तों आपको दिखाएंगे किस तरह दिख रहा है और कैसे मतलब चावल का मतलब खाया जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊं, मेरे आज मेरे दादी माँ बहुत हेल्प किए सब्जी बनाने में, क्योंकि दोस्तों मैं प्याज कट किए, तो जो परवल को हम दोनों साइड से कट किए तो आपको दिखाए, उसके बाद जो उसका बीज का होता है ना वो सब दादी माँ निकालिए, और उसके बाद मैं निकाल के और थोड़ी बहुत फिर वो मसाला भुजा गया, तो भरने में भी हेल्प किया। आज मेरी दादी माँ बहुत हेल्प किए सब्जी बनाने में, तो वैसे भी दादी माँ को बहुत बहुत थैंक यू। दादी माँ वैसे वीडियो नहीं देखती है, लेकिन मैं अपने दिल से बोल रही हूँ उसको थैंक यू। दोस्तों अगर मेरे साथ कोई थोड़ा सा मतलब मुझे अच्छा करता है ना, तो मैं अच्छा ही, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे से कोई प्यार से बोलते रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि नहीं, हाँ तो कोई अच्छा करता है तो अच्छा बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, है ना दोस्तों? और देखिए अभी दूध दे के और थोड़ा सा टक्कर डाल के जाए अपने हाथ से बोले, उसको दो देंगे ना तो चिड़ जाएगा, उसको तीन देंगे, दो तीन देखिए और टक्कर डाल के। ओ ये बहुत खाता है, एक छोटा वाला दे दे, तीन कोई सामान नहीं देना चाहिए, है ना दोस्तों? देखिए ये
ये खाने में ना दोस्तों बहुत टेस्टी लगता है सच में। अभी हम जा रहे हैं स्नान करेंगे, पूजा करेंगे। अभी नहीं नहाया ना, फिर सारा काम करके खाना बनाया ना, तो इतना टाइम हो गया दोस्तों। और लाइट कितना आ रहा है इसमें पता नहीं क्यों, अब ठीक आ रहा है दोस्तों। नहीं नहा के मतलब स्नान नहीं किया तब जाके इतना लेट हो गया खाना बनाने में। मेरे मम्मी सासू माँ ससुर जी चले गए खेत में, तो खाना बना देते ना पहले तो वो लोग खा के जाते, पर कोई नहीं, हम आएंगे तो खाएंगे। तो अभी ज़्यादा देर ठीक है, देखिए कितना टेस्टी दिन लग रहा है। आप सब भी आ जाए खाने के लिए। ये मेरी सब्जी आप सबको कैसे लगी दोस्तों? शॉर्टकट में मैंने सोचा अभी चावल दाल बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है और बारिश भी हो रही थी, कैसा कीचड़ कीचड़, बेबी बाबू भी बहुत रो रहा है। तो मैंने सोचा तो बता रहा दोस्तों ये सब्जी कैसा लगा रहा है दोस्तों। अच्छा लगा तो आप सब भी ट्राई कीजिएगा, और नहीं भी अच्छा लगा तो भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके दोस्त के, तो वीडियो है ना दोस्तों। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बताना कैसा है। और दोस्तों आपके एक लाइक और एक शेयर करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी चीज़ है दोस्तों। आपके एक लाइक करने से एक शेयर करने से किसी मतलब किसी इंसान की भला हो सकती है, किसी के चेहरे पे स्माइल आ सकती है, तो ऐसा क्यों नहीं कीजिएगा है ना दोस्तों। तो बस इतना ही। और दोस्तों बताना सब्जी कैसा लगा आप सबको। और दोस्तों खाने में सच में दोस्तों बहुत टेस्टी लगता है, हम भी खाए। और अभी दोस्तों बन चुका है, अभी सब साफ उफ करेंगे अभी फिलहाल में। हाँ तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं जो बाकी का काम है, अभी दूध अपना उबलने के लिए, अभी दूध उबाल लेंगे दोस्तों। और सब्जी चावल बन गया है दोस्तों, बरसात के मौसम में पूरे देख रहे कीचड़ कीचड़ हो रखा है, तो इसके लिए यही बना है बस। और दोस्तों आप सब प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, तब तक के लिए आपकी खुशी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सबको मेरी किस तरह की वीडियो अच्छी लगती है, तो तब तो उस तरह का हम कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लव यू, धन्यवाद दोस्तों।